सभी सुंदर साथ को कोटानकोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री सनंद ग्रंथ का प्रकरण 35 पूर्ण किया। आज हम आगे के प्रकरण का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हो उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। सनंद ईसा इमाम के गजा की। ईत ईसा मसीह आए के पहले किया सरंजाम, काटे आउद दजाल के पीछे आए रसूल इमाम। सर्वप्रथम धनी श्री देवचंद्र जी ने प्रत्यक्ष पदार्पण कर सत्य धर्म को सुनियोजित रूप से प्रतिष्ठित किया। उनके पश्चात अंतिम धर्म गुरु के रूप में मेरे हृदय में अवतरित होकर माया रूपी दजाल के सारे आयुध यानी अस्त्र काट दिए। अब शब्दातीत की शब्द में शोभा वरनी न जाए, जो कछु कहूँ सो शब्द में बोलू कौन जुबाए। अब मैं शब्दातीत परब्रह्म की शोभा का वर्णन करता हूँ जो शब्दों के द्वारा संभव नहीं है। अतः जो कुछ भी कहूँ संसार के शब्दों में ही कहना है, अन्यथा कौन सी भाषा से व्यक्त करूँ। खूबी तख्त ना कह सको इन जुबा के जोर, जानू रात कुफर की मिट गई हुआ दिन जाहिर भोर। परब्रह्म के सिंहासन की शोभा का वर्णन इस जिह्वा के बल से कर नहीं सकता। अब नास्तिकता रूपी अज्ञान की रजनी का मानो अवसान हुआ तथा दिन के प्रभात का उदय हुआ है। हिसाब नहीं उजास को आगे ले खड़ा लूदनी नूर, जाए न बरनियो इन जुबा खड़ी अरस अरवा हजूर। सतगुरु स्वयं ब्रह्म ज्ञान का तेज लेकर खड़े हो गए, जिसके आलोक का लेखा संभव नहीं है। इसी प्रकार परमात्मा के समीपस्थ ब्रह्म आत्माओं का वर्णन करना भी इस नश्वर जीवा से असंभव है। आगे खड़ा असराफिल और जबराइल हुकम, जोस सब रुहन पर वतन बका खसम। सन्मुख ही अक्षर की बुद्धि तथा उनके आवेश खड़े हैं। अखंड परम धाम के अधिपति परब्रह्म परमात्मा का आवेश सभी ब्रह्मात्माओं में समाया हुआ है। यो बैठे तख्त इमाम, सिर छत्र कई चमर, रसूल अली आए मिले हुई बधाइयां घर घर। इस प्रकार अंतिम समय में न्याय देने के लिए परमात्मा के रूप में अवतरित सतगुरु मेरे हृदय रूपी सिंहासन पर आसीन हुए हैं। उनके सिर पर छत्र है तथा उनको चंवर भी डुलाया जा रहा है। सतगुरु के साथ परमात्मा के संदेशवाहक रसूल मोहम्मद एवं अली भी आकर मिल गए, जिससे घर घर में बधाइयां होने लगी। गूझ थे मोमिन अरस के ताकि जाहिर हुई खबर, सो बैठे घेर इमाम को हुई बधाइयां घर घर। परम धाम की ब्रह्म आत्माएं अभी तक छिपी हुई थी, उनके अवतरण का समाचार सर्वत्र प्रकाशित हुआ। अब वे सतगुरु के रूप में पधारे परमात्मा को घेर कर बैठ गई, अतः घर घर में बधाइयां होने लगी। कई ओलिए कई अंबिए
कोई फिरसते पैगंबर, सो सब आगे आए खड़े, हुई बधाइयां घर घर। अनेक ऋषि महर्षि गण, पैगंबर गण, देवता, अवतार इत्यादि सभी लोग न्यायाधीश बनकर सतगुरु के रूप में पधारे हुए परमात्मा के सन्मुख खड़े हो गए। इसीलिए घर घर में बधाइयां होने लगी। आइयां किताबे जिन पर, बुजरक जो मेहतर, मुसलमान आए संग, हुई बधाइयां घर घर। जिन पैगंबरों पर आध्यात्मिक पुस्तकें उतरी थी, जो श्रेष्ठ एवं शिरोमणि कहलाए, वे सब भी अपने अनुयायी मुसलमानों के साथ सतगुरु के रूप में पधारे परमात्मा के साथ आकर समाहित हो गए। इसीलिए घरों में बधाइयां होने लगी। मुसलमान कई भेस सो, पीर मर्द फकर, पीछा कोई ना रहे वही, हुई बधाइयां घर घर। मुसलमानों में भी विभिन्न प्रकार के वेश धारण करने वाले गुरु, संत, साधारण मनुष्य सब लोग सतगुरु के चरणों में आए, जिससे घर घर में बधाइयां गाई जाने लगी। जुदी जुदी जाते जहान में, सब आवत है मिलकर, होत दीदार सबन को, हुई बधाइयां घर घर। विश्व में विस्तृत भिन्न भिन्न जाति के लोग एक साथ मिलकर आ रहे हैं और सभी को सतगुरु के अंदर परब्रह्म परमात्मा के दर्शन हो रहे हैं। फलतः घर घर में बधाइयां होने लगी। दुनिया चारों खूंट की, सब आवत है एक दर, मंगल गावे सब कोई, हुई बधाइयां घर घर। चारों दिशाओं में से सभी लोग एक ही द्वार पर आ रहे हैं, सभी मंडल बधाइयां गा रहे हैं तथा घर घर में आनंद छा गया है। जो कबू कानों ना सुनी, जात वर्ण भेष धर, आवत सब उछरंग में, हुई बधाइयां घर घर। विभिन्न जाति वर्ण तथा वेशधारी लोगों में जिन्होंने परमात्मा के विषय में सुना ही नहीं था, वे भी आनंद उल्लास के साथ आने लगे, अतः घर घर में बधाइयां होने लगी। बिना हिसाबे आलम, वैराट सचराचर, दौड़त सब दीदार को, हुई बधाइयां घर घर। विश्व के असंख्य सचराचर प्राणी सतगुरु के रूप में पधारे हुए परमात्मा के दर्शनार्थ दौड़कर चले आ रहे हैं, जिससे घर घर में बधाइयां होने लगी। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री सनंद ग्रंथ के प्रकरण 36 की 14 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की वीडियो में हम नेक्स्ट चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।